सर, काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरीके से पूजन की तैयारी हुई? आज 2 साल पूरे हो गए काशी विश्वनाथ। आज बाबा विश्वनाथ धाम के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोग आज विशेष दिन मनाते हुए इसको सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हवन पूजन है, यहाँ पे श्रद्धालुओं को बुलाया गया, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। ये सब तैयारियाँ शुरू से ही चल रही हैं। किस तरीके से देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का आज कितना हर्षोल्लास के साथ दर्शन करने आ रहे हैं और धाम को इतने साल हो गए बने, तो क्या तैयारियां करी और क्या इम्प्रूवमेंट हुई है अभी तक 2 सालों में? हम लोग लगातार श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को बढ़िया बनाते जा रहे हैं, आगे और भी इनको व्यवस्थाओं को बढ़िया बनाए, जैसे जैसे श्रद्धालु उनसे जुड़ते जा रहे हैं उसको और बढ़िया व्यवस्था बनाते जा रहे हैं। आज कुछ विशेष रूप से कार्यक्रम है, संध्या कार्यक्रम है, तो उसमें क्या? शाम को हम लोग दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा है और बड़ा कार्यक्रम उसको बनाएगा। पंडित दीपक मालवीय न्यास का मैं सदस्य हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर का। आज काशी विश्वनाथ धाम को बने पूरे 2 साल हो चुके हैं, तो किस तरीके के भव्य आयोजन किए गए और क्या क्या कार्यक्रम हुआ? अत्यंत गौरवशाली दिन है हमारे लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इसी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और नया जो है मंदिर का नवनिर्माण सामने लोगों को दिखाई पड़ा था। निरंतर उसके पश्चात इस मंदिर में श्रद्धालुजनों की भीड़ बढ़ रही है। आज द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर इस मंदिर में हम लोगों ने प्रातःकाल भगवान विश्वनाथ का पूजन किया, उसके बाद चारों वेद की ऋचाओं के साथ में सारे वेद के ब्राह्मणों ने वेद का पारायण किया है। तत्पश्चात जो है पूजन इत्यादि हो रहा है और उसके बाद हवन की व्यवस्था है। सायंकाल में भी कार्यक्रम यहाँ पर उपलब्ध संपन्न किए जाएंगे। पिछले 2 सालों में जितने भी श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे, क्या कारण था उसका? अभूतपूर्व है और हमारे यहाँ मंदिर में काफ़ी बहुत छोटा रिक्त स्थान बहुत छोटा था। आज पहले 5000 स्क्वायर फुट होता था, आज 5 लाख स्क्वायर फीट है, इसलिए उनको श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो रही है और सारी भीड़ मंदिर के अंदर समाहित हो जा रही है, इसलिए श्रद्धालुजन को निरंतर आना लगा हुआ है। विशेष रूप से आज शाम के कार्यक्रम को लेकर के बड़ी रुचियाँ हैं सभी में, किस तरीके से शाम का कार्यक्रम किया जाएगा? शाम को यहाँ पर एक त्र्यंबकेश्वर हाल है, उसमें विचार गोष्ठी होगी कि 2 वर्ष कैसा रहा, इस पर विद्वानों के विचार होंगे।